नमस्ते। हमने पिछले सेशन में हमने रेत के बारे में, वेश्यावृत्ति के बारे में पढ़ा था, साथ में हम लोग आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा था, और साथ में हमने जो स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लासेस, उसमें हमने मैरिज का एग्जांपल लिया था, मैरिज और होम मैरिज के बारे में। आज जो सेशन है वो प्रैक्टिकल का सेशन है। हम लोग कुंडली लगाएंगे और देखेंगे कि जो हमने कॉम्बिनेशन बताए हैं, क्या सही में वो कॉम्बिनेशन हमारे कुंडली में भी बताते हैं या नहीं बताते हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने रेत का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ 7, 8, 12, साथ में राहु या केतु और साथ में शुक्र को डीबीए में होना बहुत जरूरी है, तब हम रेत का या बलात्कार का जो भी हम लोग घटना है, जो घटित होगी, वो हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने गैंग रेप के बारे में बताया था, जिसमें प्लूटो को इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लूटो है वो हमारे समूह को दर्शाता है, साथ में कभी कभी बुध भी देखा जाता है। उसी प्रकार हम लोग प्रोस्टिट्यूशन अर्थात वैश्यावृत्ति, इसका भी कम्बिनेशन 7, 8, 12 ही है, लेकिन ये हमारे मेजोरिटी प्लेनेट अर्थात अधिकांशतः ग्रह में ये कम्बिनेशन होने चाहिए, तो ये वैश्यावृत्ति में लिप्त हो सकते हैं। साथ में कॉल्स गर्ल्स के बारे में बताया था कि 7, 8, 12 के साथ तीसरा घर, पांचवा घर और 10वां 11वां। तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का हो गया, पांचवा घर हमारे चार्मिंग का हो गया, और 10वां नेम फेम और स्टेटस और 11वां लाभ का हो गया। 10 और 11 हमारे प्रोफेशन में बहुत ही वाइटल रोल अदा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में देखिएगा जो 8-12 कॉम्बिनेशन है उसमें कोई एक घर यदि हमारे कॉम्बिनेशन से निकल जाए, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 3, 5, 7, 12, 10, 11, मतलब दोनों 8 या 12 एक साथ ना आए, तो ये हमारे कलाकार की तरफ जाता है। ये कलाकार हमारे प्रिंट मीडिया, हमारे मीडिया में, हमारे फिल्मों में, हमारे टीवी चैनलों में बहुत ही ऊपर तक जाता है। तो आज हम लोग एक कुंडली को लगा रहे हैं, हमने एक यहाँ कुंडली लगाया हुआ है प्रोस्टिट्यूशन का। ये महिला तलाक के बाद प्रोस्टिट्यूशन की व्यवसाय में चली गई, किस प्रकार हुआ, तो इसका जो जन्म आप देख सकते हैं 25 सितंबर 1970 में, और जन्म का जो समय है 3:06 सुबह, और जन्म का स्थान है दिल्ली का। तो हम लोग इसके जो लग्न और हम लोग साथ में इसका नारायण भाव चलित को देखते हैं, हम यहाँ लग्न देख सकते हैं, तो इनका जो एस्टेंडेंट है वो कौन सा है, कर्क, कैंसर एस्टेंडेंट है। और साथ में भी हम लोग इसकी राशि देखेंगे दोस्तों, तो इसकी राशि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कैंसर ही राशि है, मतलब कर्क राशि की ये जाति का है, ठीक है। इसका जो देखिए नारायण भाव चलित हमने यहाँ बनाया, यहाँ देखिए कुछ कुछ जो ग्रहों का प्लेसमेंट चेंज हो गया। हमने आपको पिछले सेशन में, पिछले क्लास में हमने नारायण भाव चलित बनाना सिखाया था, किस प्रकार नारायण भाव चलित बनाया जाता है। अब लग्न में देखिए मून लग्न में है, तो नारायण भाव चलित में मून कहाँ चला गया, 12वें घर में चला गया। तो ये क्या होता कि हमारा जो घटना है, जो प्रिडिक्शन है, वो चेंज हो जाता है। इसलिए हमें लग्न तो देखना ही, इनिशियली चीज लगनी है, लेकिन हमें जो भी प्रिडिक्शन करना है वो नारायण भाव चलित के आधार पर ही करना चाहिए, तभी जाके 100% सटीक भविष्यवाणी होती है, उसी को कहते हैं प्रिडिक्टिव नाडी एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए कि लग्न में दूसरे घर में देखिए कि आपको मंगल है, बुध है और केतु है, वो जाके देखिएगा नारायण भाव चलित में जो मंगल और बुध है और केतु जाके लग्न में जाके बैठ गए। उसी प्रकार लग्न में यदि सूर्य हमारे तीसरे घर में है तो नारायण भाव चलित में जाके वो दूसरे घर में बैठ गए। इसी प्रकार सारे ग्रह का प्लेसमेंट हमारे नारायण भाव चलित में अधिकांशतः चेंज हो जाते हैं, कुछ कुछ उसी प्लेसमेंट में रहते हैं। तो ये जाति का केतु की दशा और शुक्र की अंतर दशा में इनका तलाक हुआ था। तो तलाक का कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं कि 1, 6 और 10 यदि हमारे दशा में आते हैं, भुक्ति में आते हैं, तो तलाक होने की संभावना होती है। यदि वो व्यक्ति शादी नहीं हुआ है तो शादी में डिले बताता है। तो
हम लोग यहाँ देखते हैं केतु क्या बता रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ देखिए देख सकते हैं केतु क्या बता रहा है, खुद जो बता रहा है 1, 2, 3, 5, 10, 12 मतलब पहला घर और 10वां घर इन्वॉल्व है, जो नेगेटिव जो तलाक को दिखाता है या शादी में डिले दिखाता है। दूसरा घर एक पॉजिटिव फल है, उसका जो नक्षत्र है वो खुद अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, वो भी 1, 2, 3, 5, 10, 12 एक और 10 आ रहे हैं। और उसका जो उप स्वामी है वो है गुरु। गुरु क्या बता रहे हैं दोस्तों, गुरु बता रहे 3, 6, 9 बता रहे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रह से लेकर उप स्वामी तक अर्थात प्लेनेट नक्षत्र और सब लॉर्ड 1, 6, 10 बहुत ही मजबूती के साथ प्रेजेंट है, जबकि 2, 7, 11 प्रेजेंट नहीं है दोस्तों। तो ये हमें तलाक को इंडिकेट करता है, यदि जातक की विवाह नहीं हुई है या नहीं हुआ है तो वो शादी का डिले बताता है। और हम लोग इसको उस ग्रह को देख सकते हैं, यदि केतु की दशा चल रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केतु की दशा में इनकी शादी नहीं होगी। यदि शादी हो गई है तो हम लोग बोल सकते हैं केतु की दशा में अलगाव की संभावना प्रबल बनती है। और उसकी भुक्ति देखिए क्या शुक्र है, शुक्र ऐसे मैरिज का सिग्निफिकेटर होता है, लेकिन शुक्र भी देखिए खुद क्या बता रहा है 3, 4, 11 अच्छा, लेकिन वो गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ, गुरु क्या बता रहा है 3, 6, 9 छठा ग्रह खराब बता रहा है आपको। और उसका उप स्वामी कौन हो गया, खुद गुरु हो गए, वो भी 3, 6, 9 मत 6, 6 अर्थात इस जातिका का जो तलाक हुआ था वो केतु और शुक्र की दशा में पीरियड में हुआ था। अब ओवरऑल देखिए हम लोग यदि सारे ग्रहों को देखते हैं तो उसमें देखिएगा आपको राहु, गुरु, चंद्रमा और शनि 7, 5, 7, 8, 12 क्लियर कट बताते हैं। आप देखिए राहु में क्या बता रहा, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 7, 8, 12 5, 7, 8, 12 बता रहा। केतु में इसका जो अपने नक्षत्र राहु में बैठे हैं वो भी वही बता रहे हैं 5, 7, 8, 12 और उनका जो सबलॉर्ड है गुरु 3, 6, 9 देखिए 5, 7, 8, 12 क्लियर कट आ रहा है। 7, 8, 12 क्लियर कट करने का मतलब ये आ रहा है, ये हम लोग प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार गुरु देखिए, गुरु की आपको 3, 6, 9 किसके नक्षत्र में है, वो राहु के नक्षत्र में जो 5, 7, 8, 12 बता रहे हैं। और उनका जो सबलॉर्ड है बुध है 1, 3, 12 यहाँ भी क्लियर कट देखिए 7, 8, 12 बताया जा रहा है। उसी प्रकार आप चंद्रमा को देखिए 7, 8, 12 क्लियर कट आ रहा है। आप उसी बार शनि को देखिए देखिए 7, 8 ऊपर में आ रहे हैं 5, 7, 8 आ रहे हैं। तो मतलब इनकी अधिकांशता जो ग्रह है वो 7, 8, 12 आपको बता रही है। तो ये केतु की दशा और चंद्रमा की भुक्ति में ये प्रोस्टिट्यूशन या वैश्यावृत्ति के जो पेशे हैं प्रोफेशन है उसमें वो जाके सरलित हो जाती है। छठा घर भी देखिए इसमें बहुत सारे ग्रहों में आ रहे हैं। छठा घर हमारे प्रेम संबंधों को ब्रेक बताता है। तो इसी प्रकार हम लोग चेक करते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन या बलात्कार, बलात्कार भी आप देख सकते हैं कि क्या राहु या केतु साथ में शुक्र 7, 8, 12 के लिए कट आने चाहिए डीबीए में। तो यहाँ दिख रहा है कि शुक्र 7, 8, 12 नहीं बता रहे, केतु भी 7, 8, 12 नहीं बता रहे, 5, 12, 5, 12 आ रहे हैं। तो अर्थात मतलब ये बलात्कार का केस नहीं है, लेकिन आफ्टर डायवोर्स ये जाति का आपको प्रोस्टिट्यूशन के पेशे में प्रोफेशन में वो सम्मिलित हो जाती है। इसी प्रकार हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो क्या ये बाद में इस प्रोफेशन को छोड़ सकती है, तो हम छोड़ने का ये बात बताए थे ऐसे मान लीजिए एनजीओ के द्वारा या सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा 1, 5, 9, 10, 11 यदि आते हैं तो ये उस दलदल से बाहर निकल सकती है। तो ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कहीं भी 1, 5, 9, 10, 11 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सूर्य नहीं कुछ बता रहा है, इसका देखिए बुध, बुध भी 1 तो बता रहा लेकिन 5 नहीं बता रहा है आपको, 9 बता रहा लेकिन 10 नहीं बता रहा, 11 बता रहा,
सनी 1-5-10 बता रहा है ये भी नहीं, मतलब ओवरऑल जब सारे को देखते हैं तो खाली एक आपको यहाँ आपको मंगल दिख रहा है 1-5-9-10-11, मतलब मेजोरिटी प्लेनेट्स में नहीं है ना। केतु के बाद जो दशा आएगी वो आएगी शुक्र की आएगी, शुक्र कोई 1-5-9-10-11 नहीं बता रहा। शुक्र के बाद सूर्य की दशा आएगी वो भी नहीं बता रहा, चंद्रमा की दशा आएगी वो भी नहीं बता, तब जाके मंगल, तब तक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। केतु 7 साल के होते हैं, शुक्र 20 साल का होता है, सूर्य आपको 6 साल के होते हैं, चंद्रमा आपको 10 साल का, तो मतलब अपना जीवन की अधिकांशतः जो उनका समय है वो इसी प्रोफेशन में बीतेगा।